नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अक्सर पॉलिटिशियंस और सरकारों को अक्यूज किया जाता है कि वो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बिलियनेयर्स अरबपतियों के इशारों पर नाचती हैं, लेकिन चाइना जैसी कुछ डिक्टेटरशिप कंट्रीज में इसका उल्टा ही होता है। वहां पर बड़े बड़े बिलियनेयर्स सरकार के इशारों पर नाचते हैं और अगर नहीं नाचेंगे तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं। बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर आई है दोस्तों चाइना से कि चाइना के सेकंड रिचेस्ट मैन, जो कि सितंबर से पहले चाइना के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, जैक मा, नाम सुनाई होगा आपने, चाइना के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिलियनेयर्स में से हैं, ये अचानक से गायब हो गए हैं। अक्टूबर 2020 को इनका लास्ट ट्वीट देखने को मिला था, उसके बाद से किसी सोशल मीडिया साइट पर भी नहीं पाए गए हैं और ना ही कहीं पब्लिक में दिखे हैं उसके बाद से। और शॉकिंग बात यह है कि एलिजिडली गायब होने से पहले इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं जैक मा की कहानी और कैसे चाइना अपने बिलियनेयर्स को ट्रीट करता है। बड़ी ही दिलचस्प और शॉकिंग कहानी है। पहले जैक मा और इनकी कंपनी अलीबाबा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इनकी बड़ी ही रैग्स टू रिचेज वाली कहानी है, मतलब एक मिडिल क्लास हाउसहोल्ड में पैदा हुए थे 1964 में। अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने दो बार फेल किए, तीसरी बार पास हुए, अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट कंप्लीट करी इन्होंने इंग्लिश में, जिसके बाद इन्होंने एज एन इंग्लिश टीचर नौकरी करी। एक ब्लूमबर्ग के वीडियो के अनुसार इन्होंने 30 से ज्यादा नौकरियों में अप्लाई किया था और 30 बार इनको रिजेक्शन मिला। इनमें से एक फेमस नौकरी थी केएफसी में, जहां पर इनको रिजेक्ट कर दिया गया। 24 में से ये इकलौते इंसान थे जो नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिए गए थे। इनके हिसाब से इन्होंने 10 बार हार्वर्ड में भी अप्लाई किया था और 10 के 10 बार इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। जून 1999 में इन्होंने अलीबाबा कंपनी की स्थापना करी। अलीबाबा.com अगर आप नहीं जानते हैं, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसे आप एक तरह से Amazon, eBay और PayPal का मिक्सचर समझ सकते हो। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स भी है दुनिया की। नेट प्रॉफिट में ये Amazon से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। शुरुआत इन्होंने करी थी एज अ बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट, कि एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस को कुछ बेचना चाहता है तो अलीबाबा के थ्रू वो बेच सकता है। लेकिन आज के दिन अलीबाबा.com बिजनेस टू कंज्यूमर भी बन चुकी है। अमेज़न की तरह आप इस पर कुछ खरीद भी सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वो इसलिए क्योंकि इसकी ज्यादातर ग्रोथ चाइना में हुई। सितंबर 2014 में अलीबाबा ग्रुप ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे और ये उस वक्त की यूनाइटेड स्टेट्स की लार्जेस्ट एवर आईपीओ थी। कंपनी को वैल्यू किया गया 168 बिलियन डॉलर्स पर। ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होने के बाद अलीबाबा कंपनी ऑलमोस्ट हर सेक्टर में एक्सपैंड हो गई। आज के दिन ये फिनटेक में है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इनकी कंपनीज हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग में है, ये मूवी प्रोडक्शन में, हेल्थ केयर में, स्पोर्ट में, रिटेल में, इनफैक्ट न्यूज मीडिया वेबसाइट तक भी इन्होंने खरीद रखी है। तो एक तरह से आप जैक मा को चाइना का मुकेश अंबानी समझ लो, क्योंकि जैसे इंडिया में रिलायंस ऑलमोस्ट हर सेक्टर में फैला हुआ है, ऐसे ही चाइना में अलीबाबा ऑलमोस्ट हर सेक्टर में फैला हुआ है। इनमें से एक ऐसी कंपनी जो जैक मा ने बनाई थी वो है एंट ग्रुप। ये हमारी कहानी में काफी रेलेवेंट है। इस कंपनी को 2014 में बनाया गया था अली पे नाम की सर्विस रन करने के लिए, जो कि एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है, पेपॉल की तरह, पेटीएम की तरह। ये अली पे इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज के दिन इसके 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। एक बार फिर से अगर आपने नहीं सुना है तो इसलिए क्योंकि मेजोरिटी यूजर्स चाइना में है। इन सब रीजंस की वजह से आज के दिन जैक मा की जो नेट वर्थ है वो 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। रिसेंटली तक तो ये चाइना के रिचेस्ट इंसान भी थे। अब इतना सब अचीव करने के बाद 24 अक्टूबर 2020 को जैक मा ने एक छोटी सी गलती कर दी। इन्होंने जी जिनपिंग सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, पूरी सरकार को भी नहीं, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को, जी जिनपिंग सरकार के फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि चाइनीज बैंक्स पॉन शॉप मेंटेलिटी से काम करते हैं, जीरो रिस्क की प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं। यानी अगर बैंकों को किसी को लोन देना है तो किसी को बिना कोलैटरल के, बिना एक वर्दी कोलैटरल के लोन देंगे ही नहीं। चाहे किसी को एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी क्यों ना मिले, कोलैटरल लेस लोन्स लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऐसा क्यों? सिंपली बैंकों को डर लगता है अगर लोन वापस नहीं मिला हमें तो इन बैड लोन्स बन जाएंगे, एनपीएस बन जाएंगे, जो कि आज के दिन इंडिया में होता भी है। लेकिन जैक मा फ्री मार्केट पॉलिसीज में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि अगर बैंक्स इतने कम रिस्क से काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इंडिया यहां पे एक एक्सट्रीम पे है कि बैंक्स देखे बिना लोन्स दिए जा रहे हैं, इतने सारे एनपीएस बने जा रहे हैं जिससे कि बैंक क्रैश हो रहे हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जैक मा का कहना है कि इसका दूसरा एक्सट्रीम भी अच्छी चीज नहीं है, कि बैंक्स बिल्कुल ही जीरो रिस्क के साथ काम करें। इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स पर और बिजनेसमैन पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है और इतने सारे कोलैटरल अगर उन्हें देने पड़ेंगे तो वो इनोवेट नहीं कर पाएंगे। जैक मा के अकॉर्डिंग चाइना की इस पॉलिसी से इनोवेशन रुकता है। तो ये बात थी 24 अक्टूबर की दोस्तों।
5 नवंबर 2020 को यह प्लान किया गया था कि इनकी जो एंट ग्रुप की कंपनी है, फिनटेक कंपनी इन्होंने जो बनाई है, इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी चाइनीज स्टॉक मार्केट पे। और ये उम्मीद लगाई बैठी थी ये कंपनी कि इनकी वैल्यूएशन करी जाएगी $300 बिलियन से ज्यादा पर। अगर ऐसा होता तो जैक मा की खुद की जो नेटवर्थ थी वो $60 बिलियन क्रॉस कर जाती। लेकिन 24 अक्टूबर के एक हफ्ते बाद ही चाइनीज सरकार ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बदल डाले। इनके नए न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से एंट ग्रुप ऑटोमेटिकली डिसक्वालिफाई हो गया कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर पाए। इसके एकदम बाद ही चाइनीज सरकार के टॉप मार्केट वॉचडॉग ने कहा कि ये जो अलीबाबा कंपनी है तो एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी अलीबाबा कंपनी के अंदर। इन्होंने कहा ये एंटी मोनोपोली रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें वायलेट करने लग रहे हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन होना और अचानक से इन रूल्स का अदला बदली होना, ये सब इसलिए क्योंकि बस जैक मा ने थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया था चाइनीज सरकार को। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ ये इसलिए हुआ है, लेकिन कुछ और भी रीजन है दोस्तों, इसे सिर्फ एक पार्शियल रीजन माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइनीज सरकार को वैसे भी डर था कि अली पे जो कंपनी है ये इतनी बड़ी बनती जा रही है कि जो पैसा है वो चाइनीज बैंकों से अली पे के पास जाने लग रहा है। तो चाइनीज सरकार बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है कि पैसे का कंट्रोल यहां पर एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में जा रहा है, सरकार के पास नहीं है। ये भी एक रीजन बताया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस रेगुलेटरी क्रैकडाउन की वजह से अलीबाबा कंपनी की जो शेयर मार्केट की वैल्यू थी वो 17% नीचे गिर गई दिसंबर के महीने में। और दिसंबर के ही महीने में कई मीडिया वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया कि जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है चाइनीज आईटी सेल्स के द्वारा, वो कैसे बढ़ गई है जैक मा के खिलाफ। जैक मा को डिफेम किया जा रहा है चाइनीज आईटी सेल के ट्रोल्स के द्वारा। वैसे इन्हें अंकल हॉर्स करके बुलाया जाता था क्योंकि जैक मा में मा सरनेम का मीनिंग होता है घोड़ा, हॉर्स होता है, तो इन्हें अंकल हॉर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन रिसेंटली पिछले एक महीने में चाइनीज मीडिया वेबसाइट्स, इनका सरकारी मीडिया और चाइनीज सरकार के आईटी सेल ट्रोल्स इन्हें वेम्पायर की तरह दर्शाते हैं। एक ऐसा वेम्पायर जो गरीब लोगों को एक्सप्लॉयट करता है, गरीब लोगों का खून चूसता है। इस तरह से इनकी ऑनलाइन इमेज को भी डिफेम किया जा रहा है। जैक मा ने एक टैलेंट शो भी क्रिएट किया था, अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज, अपने इंडियाज गॉट टैलेंट की तरह एक शो समझ लो। इस शो में ये जज भी थे। इस शो का फिनाले नवंबर में होना था और इस शो के फिनाले में ये मौजूद ही नहीं थे, आए ही नहीं। और यहां से सवाल उठने शुरू हुए कि कहां है जैक मा, गायब हो गए हैं क्या जैक मा। लेकिन अब जनवरी आते आते कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं हुई, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी जैक मा ने, तो अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में खबर छपने लगी कि कहां है जैक मा, क्या चाइनीज सरकार ने इन्हें एबडक्ट कर लिया है, क्या पकड़ के जेल में डाल दिया है। ये स्पेक्यूलेशंस उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर्स ने जरूर रिपोर्ट किया है अपने सोर्सेज के द्वारा कि जैक मा इज लाइंग लो, ये सिर्फ पब्लिक से छुपे हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई है, चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई इन्हें अरेस्ट नहीं किया है, बस ये पब्लिक से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, कुछ टाइम ऑफ लेना चाहते हैं। लेकिन एक सिमिलर सी खबर दोस्तों सितंबर 2019 में भी आई थी, जब इन्होंने अलीबाबा कंपनी से अपने आप को रिटायर कर लिया था, तब ये स्पेक्यूलेशन उठा था कि जैक मा के और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में काफी टेंशन है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं चाइना के, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जैक मा इतने पावरफुल और इतने अमीर बन जाएं। लेटेस्ट अपडेट यही है कि सीएनबीसी के डेविड फाबर ने रिपोर्ट किया है कि जैक मा मिसिंग नहीं है बल्कि लाए लो कर रहे हैं। इस खबर के बाद, जब ये ट्यूजडे को आई ये खबर, इसके बाद अलीबाबा के शेयर्स में 5% का वापस इंक्रीज आ गया। लेकिन अगर दोस्तों चाइनीज सरकार ने सही में कुछ जैक मा के खिलाफ किया है, इन्हें जेल में डाला है या इन्हें अबडक्ट कर लिया है, तो हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये पहली बार नहीं होगा जब ऐसा किया है चाइनीज सरकार ने। आप पुरानी कहानियां सुनके चौंक जाएंगे। पहली कहानी है रेन सी खियांग की। एक बड़े ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल चाइनीज प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव थे। इन्होंने पिछले साल चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को एक क्लाउन बुला दिया था, जोकर बुला दिया था, एज ए रिस्पॉन्स टू जो कोरोना वायरस का रिस्पॉन्स रहा था चाइनीज सरकार का, और उसके बाद से ये मिसिंग चले गए। जब ये पाए गए तो पता चला बीजिंग की एक कोर्ट ने इन्हें 18 साल की सजा सुना दी है, जेल में डाल दिया है ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। और कोर्ट ने कहा कि इन्होंने वॉलंटरली कन्फेस किया है सारे चार्जेस को कि ये करप्ट थे, इन्होंने खुद कहा है, और उसके बदले आज ये 18 साल अब जेल में रहेंगे। दूसरी कहानी है एक लॉयर चेन किशी की। वुहान में आउटब्रेक के बाद इन्होंने काफी सारी इमोशनल पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ, लोकल सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी इनएफिशिएंसी बताते हुए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो पाबंदी लगाई जाती है चाइना में उसके खिलाफ लिखते हुए। उसके बाद से ये मिसिंग चले गए, गायब हो गए। एक साल बाद इनके दोस्त ने बताया कि एलिजिडली चाइनीज अथॉरिटीज ने इन्हें डिटेन कर रखा है। तीसरी कहानी है जियाओ जियान हुआ की। ये भी एक बिलियनेयर एसेट मैनेजर थे, अरबपति थे। इन्होंने चाइनीज सरकार के चाइनीज रेगुलेटर को क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद हांगकांग में
जनवरी 2017 में इन्हें एक होटल से एबडक्ट किया गया चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा और उसके बाद ये गायब हो गए। इनकी सारी दौलत इनकी कंपनी को सीज कर लिया गया चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा और चाइनीज सरकार ने अपने अंडर ले लिया। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जैक मा ने 2016 में खुद कहा था, दोस्तों आई थिंक अमंग द रिचेस्ट मैन इन चाइना वेरी फ्यू हैव गुड एंडिंग्स। जैक मा ने खुद कहा था कि जो भी बिलियनेयर अमीर लोग होते हैं चाइना में, बहुत कम लोगों की हैप्पी एंडिंग होती है। हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग है देखना कि इतने अमीर लोग जो अरबपति हैं, जिनके पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते। एक छोटे से क्रिटिसिज्म के बाद सरकार उन्हें पकड़ लेती है, जेल में डालती है, उनकी कंपनियां छीन लेती है। कुछ वैल्यू नहीं होती चाइना में इसकी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से जहां पर बिलियनेयर लोगों को एक्यूज किया जाता है कि वो पॉलिटिशियंस को अपने इशारों पर नचाते हैं और पॉलिटिशियंस उन्हीं के पैरों पर जाकर गिर जाते हैं। यहां पर दो एक्सट्रीम्स हमें देखने को मिलते हैं और दोनों में से कोई एक्सट्रीम अच्छा नहीं है। एक तरफ है क्रोनी कैपिटलिज्म, कंपनीज का बहुत बड़ा होना, मोनोपोली बन जाना, सारे कंपटीशन को खत्म कर देना और सारे पॉलिटिक्स मीडिया पर कंट्रोल रखना, और दूसरी तरफ है एक सरकार का इतना पावरफुल हो जाना कि कोई कंपनी उसके सामने टिक नहीं सकती, कोई आदमी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे, लोग समझ सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।